हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करंट अवार्ड के बारे में जानेंगे, साथ ही उसका जो जीके पोर्शन है उसको भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैन बुकर प्राइज 2017 का किसे दिया गया है? मैन बुकर प्राइज जो 2017 में मिला है वो किसे? तो वो अमेरिकन राइटर है जॉर्ज सॉन्डर्स, उन्हें दिया गया है, अमेरिकन राइटर जॉर्ज सॉन्डर्स को। और किस लिए? उनकी एक्सपेरिमेंटल नॉवल कौन सी? लिंकन इन द बॉर्डो के लिए। तो लिंकन इन द बॉर्डो के लिए मैन बुकर प्राइज 2017 जॉर्ज सॉन्डर्स को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए, लिंकन इन द बॉर्डो के लिए किसे? जॉर्ज सॉन्डर्स को। उनकी नॉवल जो है कौन सी? लिंकन इन द बॉर्डो, उसके लिए जॉर्ज सॉन्डर्स को मैन बुकर प्राइज 2017 का मिला है। और अगर ये बात करी जाए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2017 का किसे दिया गया है, मैन बुकर प्राइज के बारे में अभी बोला, वो लिंकन इन द बॉर्डो जो नॉवल है वो, और किसे? जॉर्ज सॉन्डर्स को मिला है। अब ये बोल दिया जाए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2017 किसे दिया गया, तो किसे दिया गया? डेविड ग्रॉस मैन को। डेविड ग्रॉस मैन को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया? अ हॉर्स वॉक्स इंटू अ बार। अ हॉर्स वॉक्स इंटू अ बार। तो देखिए, जो डेविड ग्रॉस मैन है वहाँ पे तो लिख दिया कि अमेरिकन राइटर है, यहाँ पे तो लिखा नहीं है। तो डेविड ग्रॉस मैन जो वो इज़राइल के थे, इतना जानना ज़रूरी नहीं, मैं ऐसे ही बता दूँ, इज़राइल के थे। ठीक है, इज़राइल के हैं। और ये जो देखिए, ये जो लिखी गई है, मतलब आ वॉक्स जो आ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार, ये जो है ये हरबी लैंग्वेज में है, क्योंकि वहाँ पे हरबी लैंग्वेज इज़राइल में है, तो हरबी लैंग्वेज में ये लिखी गई है। लेकिन इसे फिर ट्रांसलेट किया है कौन से? जैसिया हैं, जैसिया ने ट्रांसलेट किया है। तो देखिए, पहले ऐसा क्यों है इसे ट्रांसलेट करने, इसके बारे में पहले हम लोग जान भी लेते हैं कि ये जो मैन बुकर प्राइज़ है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ में क्या डिफरेंस है, तो इस समझ में आएगा कि यहाँ पे ये बुक लिखी गई, उसके बाद ट्रांसलेट किया गया क्या है। और वैसे भी इसका जीके पोर्शन से क्वेश्चन उठ भी सकता है। तो देखिए, जो बुकर प्राइज़ है, मैन बुकर प्राइज़ की पहले बात कर रहे हैं, जैसे ये लिंकन इन द बॉर्डो जो है इसे दिया गया था, कौन राइटर कौन थे? जॉर्ज सॉन्डर्स थे। तो इसके लिए पहले बात करें मैन बुकर प्राइज़ के लिए, तो मैन बुकर प्राइज़ की जो स्थापना हुई थी वो इंग्लैंड के बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा की गई थी। मैन बुकर जो बुकर पुरस्कार की जो स्थापना है 1969 को इंग्लैंड के बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा की गई थी। तो ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार जो बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशक जो प्रकाशक होते हैं उनके संघ के द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। तो मतलब कि कहाँ पे? यूके की बात हो रही है ना, तो ये पुरस्कार बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशक संघ के द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। और देखिए, ये जो है जहाँ पर दिया जाता है वो लंदन में दिया जाता है, ये जगह जो गिल्ड हॉल में, तो मतलब लंदन में दिया जाता है, लंदन ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो मैन बुकर प्राइज़ है ये हर साल दिया जाता है, लेकिन किस में? अगर ओरिजिनल वो इंग्लिश भाषा भी नॉवल लिखी गई हो, मतलब कि जो नॉवल लिखी गई हो वो ओरिजिनली ही इंग्लिश में लिखी गई हो, ठीक है, तो मैन बुकर प्राइज़ इज़ अवार्ड एवरी ईयर टू एन ओरिजिनल नॉवल रिटन इन इंग्लिश पब्लिश्ड इन यूके। ठीक है, तो ये इसका हुआ। तो ये जो पहले अवार्ड है, ये पहले कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ होती थी उनको दिया जाता था, और फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ आयरिश साउथ अफ्रीकन जिम्बाब्वे इसके लिए, फिर अब जो है ये बस क्या है कि इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए ओरिजिनली, अब प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश में ही लिखी होनी चाहिए। तो वही मैन बुकर प्राइज़ इज़ अवार्ड एवरी ईयर टू एन ओरिजिनल नॉवल रिटन इन इंग्लिश पब्लिश्ड इन यूके, ठीक है, इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए। तो मैन बुकर प्राइज़ के लिए मैंने क्या बोला है, कितना नॉलेज होना चाहिए, कि इस पुरस्कार की जो स्थापना है 1969 में इंग्लैंड के बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा की गई थी, ठीक है, लंदन में यूके में ही दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है वो हर साल दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कि जो ओरिजिनली इंग्लिश में नॉवल लिखी गई हो, इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन, हाँ ये भी बन सकता है कि पहला बुकर प्राइज़ जो किसे दिया गया, तो पहला बुकर प्राइज़ जो अल्बानिया के उपन्यासकार थे इस्माइल कादरे को मिला था, पहला मैन बुकर प्राइज़ जो अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को मिला था, ठीक है, ये हमारा हो गया मैन बुकर प्राइज़। ठीक, अब मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ में आते हैं। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ जो है, ये पहले तो इसकी पहले शुरुआत तो 2005 में हुई थी, ठीक है, और फिर उसके बाद जो 2005 से 2015 तक की बात करें, तो ये हर दो साल में एक बार दिया जाता था। और किस में? इंग्लिश भाषा में, अगर वो कोई भी नॉवल लिखी गई इंग्लिश भाषा में हो या इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हो। मैन बुकर प्राइज़ जो था उसमें ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, लेकिन मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ जो होता है वो इंग्लिश में लिखा हो या इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, ठीक है। और ये जो 2016 से पहले ये क्या था, 2015 तक ये 2005 से 2000 पहले तो वो 1969 में हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था मैन बुकर प्राइज़, ये 2005 से स्टार्ट हुआ। तो 2005 से 2015 तक
हर 2 साल में दिया जाता था, लेकिन 2016 से ये हर साल दिया जाने लगा है। ठीक है, तो ये किस वजह से दिया जाता है, जो इंग्लिश में अगर नॉवेल जो लिखी हो या ट्रांसलेट की गई हो इंग्लिश में, तो उसके लिए जो वो साहित्यकार होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इतना तो इसके बारे में हो गया। अपने इंडिया के बारे में बात करें, क्योंकि मैन बुकर प्राइज़ मैंने ये तो बता दिया कि पहला मैन बुकर प्राइज़ जो अल्बानिया के उपन्यास के इस्माइल कादरी को मिला था, लेकिन अपने इंडिया में भी तो 5 लोग को मिल चुका है। देखिए, सबसे पहले वीएस नायपॉल को मिला था, 1971 में मिला था। बस वीएस नायपॉल का हम लोग संध्यान रखेंगे, जो लास्ट अवार्डेड थे उनका संध्यान रखेंगे। तो वीएस नायपॉल को 1971 में मिला था इन अ फ्री स्टेट के लिए, इन अ फ्री स्टेट के लिए वीएस नायपॉल को मिला था मैन बुकर प्राइज़। फिर दूसरे नंबर पर सलमान रुश्दी को मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। फिर आती अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई को मिला था। और अरविंद अडिग को वाइट टाइगर के लिए मिला था अभी जो 2008 में लास्ट अवार्ड जो है वो अरविंद अडिग को वाइट टाइगर के लिए 2008 में मिला था। और जो पहला अवार्ड इसका था वीएस नायपॉल को मिला था इन अ फ्री स्टेट के 1971 में। मैन बुकर प्राइज़ की बात हो रही है तो इतना यहाँ से इतने जो क्वेश्चन उठ सकते हैं, क्योंकि पहला मैन बुकर प्राइज़ किसे मिला, अल्बानिया के उपन्यास का इस्माइल कादरी को मिला। ऐसे पूछ सकते हैं इंडिया में पहला मैन बुकर प्राइज़ किसे, वीएस नायपॉल को मिला, किसके लिए मिला था, इन अ फ्री स्टेट के लिए मिला था। फिर अब सबसे बाद में अगर मैन बुकर प्राइज़ की बात अभी तक की जाए इंडिया में, तो अरविंद अडिग को मिला वाइट टाइगर के लिए मिला है। तो आप आते हैं जो करंट में है, तो लिंकन इन द बार्डो का हम लोग का हो गया कि किसे, जॉर्ज सॉन्डर्स के द्वारा ये लिखी गई नॉवेल है, मैन बुकर प्राइज़ 2017 इसके लिए मिला है। और अ हॉर्स वॉक्स इनटू द वॉर जो है डेविड ग्रॉस, कौन है, डेविड ग्रॉसमैन है, जो कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैंने बोला था कि ये हर्बी लैंग्वेज में लिखी गई है, क्योंकि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ जो है वो इंग्लिश, चाहे इंग्लिश में हो या इंग्लिश में ट्रांसलेट करी हो, दोनों के लिए होता है। तो ये पहले हरबी लैंग्वेज में लिखी गई थी, अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ वॉर, फिर उसे बाद में ट्रांसलेट किया गया था। तो ये जो लिखा था ये किसने, डेविड ग्रॉसमैन ने लिखा था, बाद में जो ट्रांसलेटर थे वो जेशिया थे। ठीक है, तो इतना नहीं ध्यान रखना है, बस नेम ध्यान रखना है। और अब 2018 की बात होती है, 2018 के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ किसे मिला, तो फ्लाइट्स को मिला है। और वो लेखक कौन है, ओल्गा टोकारेजुक, ओल्गा टोकारेजुक को फ्लाइट के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है 2018 का। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2018 ओल्गा टोकारेजुक को फ्लाइट्स के लिए दिया गया है। और ये जो ओल्गा टोकारेजुक हैं वो पोलैंड के हैं, पॉलिश हैं। और जो इसके अब ट्रांसलेटर, ये भी ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं लिखी, इसे ट्रांसलेट किसे, जेनिफर ने किया, जेनिफर ने ट्रांसलेट करके इसे फ्लाइट्स बनाया। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो फ्लाइट्स है वो किसे ट्रांसलेट, जेनिफर ने किया। फिलहाल हमें नाम पता होना चाहिए कि जिसके द्वारा ओरिजिनली ये लिखी गई है, तो फ्लाइट्स जो है किसके, ओल्गा टोकारेजुक के द्वारा मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ इसे मिला है। किसे, ओल्गा टोकारेजुक को काय के लिए मिला है, फ्लाइट्स के लिए मिला है। द इंग्लिश पेशेंट बाय माइकल ओंडैट्स जे विंस द गोल्डन मैन बुकर प्राइज़। मतलब जो 50 सालों में, जो 50 सालों का पूरा देखें तो उसमें जो है किसने जीता है मैन बुकर प्राइज़, जो है ओंडैटचे ने, माइकल ओंडैटचे ने क्या किया है, इंग्लिश पेशेंट बाय जो माइकल ओंडैटचे विंस द गोल्डन मैन बुकर प्राइज़। गोल्डन मैन क्यों, क्योंकि 50 सालों की पूरी सीरीज़ की बात करी जाए उसमें इन्होंने, माइकल ने जीता है, माइकल ओंडैटचे ने जीता है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो बड़ा अजीब सा, ओंडैटचे। तो किसके लिए, इंग्लिश पेशेंट के लिए, इंग्लिश पेशेंट के लिए अभी जो 2018 में हाल ही में दिया गया है, तो इंग्लिश पेशेंट को दिया गया है। और कौन है, माइकल ओडेंचे है, इंग्लिश पेशेंट के लिए माइकल ओडेंचे को मिला है गोल्डन मैन बुकर प्राइज़। गोल्डन मैन बुकर प्राइज़ की बात क्यों, क्योंकि 50 सालों का पूरा लेखा जोखा देखा गया इसमें। तो ये जो माइकल ओडेंचे की लिखी हुई पुस्तक इंग्लिश पेशेंट है, जो नॉवल है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय माइकल के द्वारा लिखी गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो 50 साल में सर्वश्रेष्ठ बुकर पुरस्कार है। नेक्स्ट आते हैं, कृष्णा सोबती को 53वां जो 2017 का ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ लिखा है तो वो अगर हिंदी में बोलेंगे तो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। और किस लैंग्वेज के लिए मिला है, हिंदी लैंग्वेज के लिए मिला है कृष्णा सोबती को 53वां, जो कि 2017 में, अभी इसका नहीं, 2018 का नहीं है, 2017 का, तो लेकिन ये भी पता होना चाहिए हमें। तो ज्ञानपीठ अवार्ड कौन से नंबर का है, ये 53वां है। किसे मिला है, कृष्णा सोबती को मिला। किस लैंग्वेज के लिए मिला, हिंदी लैंग्वेज के लिए मिला। अब इतना ये हो गया तो हमें ये भी पता होना चाहिए, इसके पहले 2016 का भी पता होना, 2016 का जो मिला था वो शंख घोष को मिला था बंगाली लैंग्वेज,
किसके लिए? बंगाली में लिखी। ये हिंदी लैंग्वेज थी कृष्णा सुबी थी, और 2016 का संत घोष बंगाली के लिए, घोष से ही समझ में आ रहा है बंगाली लैंग्वेज। और उसके पहले अगर 2015 में बात करी जाए तो रघुवीर दास को मिला था किसके लिए? वो मिला था गुजराती के लिए, ठीक है, रघुवीर दास चौधरी को मिला था गुजराती के लिए 2015 में, वो 51वां था। 2016 का 52वां था शंख घोष को बंगाली के लिए, और प्रेजेंट टाइम हमारा जो ये 2017 का कौन सा 53वां नंबर, ये नंबर लिख के आ जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, जी 52वां किसे मिला, 53वां किसे मिला। तो अगर 53वें की बात करीजिए कृष्णा सुबित्ति को मिला, और 52वां कौन, संत घोष को बंगाली भाषा के लिए मिला था। तो कृष्णा सुबित्ति मोस्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2017 में करंटली की बात कर रहा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 53वां जो है कृष्णा सुबित्ति को हिंदी भाषा के लिए मिला है। अब अगर इतनी बात हुई है तो हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है बैकग्राउंड भी पूरा पता होना चाहिए। तो देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1965 में, सबसे पहले जो ये दिया गया था श्री शंकर कुरूप को दिया गया था, 1965 में श्री शंकर कुरूप को दिया गया था। और किसके लिए दिया गया? आडा कुजाई, जो कि मलयालम भाषा में, आडा कुजाई जो कि मलयालम भाषा में श्री शंकर कुरूप को दिया गया था। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहला जो, अगर हिंदी की बात करी जाए, हिंदी साहित्यकार की बात करी जाए, तो वो कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत। देखिए पहले 1965 में इन्हें मिला, या फिर 1968 में, 66, 67, 68, मतलब उसके बीच में दो लोग और हैं। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया चिदंबरा के लिए, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदंबरा के लिए। तो चिदंबरा किस में? हिंदी में थी, तो हिंदी भाषा, तो यही बोला हिंदी पोइट कौन से थे, साहित्यकार कौन से थे, तो सुमित्रा नंदन पंत थे। अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि पहली महिला, भाई श्री शंकर कुरूप तो पुरुष में होगी, अगर पहली महिला की बात करी जाए तो पहली महिला जो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो श्रीमती आशा पूर्णा देवी थी, श्रीमती आशा पूर्णा देवी जो कि प्रथम महिला थी। और इन्हें किस वजह से मिला? बांग्ला की प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति जो कि बंगला, नाम ही श्रीमती आशा पूर्णा देवी, नाम से पता चल रहा है। तो किस में? बंगला में, मतलब बंगाली भाषा में थी प्रथम प्रतिश्रुति। तो श्रीमती आशापूर्णा देवी जो थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने पहली महिला थी, और श्री शंकर कुरूप जो थे ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान पाने वाले पहले पुरुष थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष कौन थे? श्री शंकर कुरूप थे, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला श्रीमती आशापूर्णा देवी हैं। अब इसके बारे में ये भी नॉलेज होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए मिला, तो सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी भाषा के लिए मिला है, जो कि 11 बार मिल चुका है, 11 बार हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो अगर हिंदी भाषा के लिए इम्पॉर्टेंट किसको किसको मिला सबके बारे में नहीं, सुमित्रा नंदन पंत जो पहले थे चिदंबरा के लिए मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला था उर्वशी के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला था, और एक और है सचिदानंद हीरामंद वश्यानंद जो कि अज्ञे के लिए, जो अज्ञे, तो कितनी नावों में कितनी बार हिंदी, कितनी नावों में कितने, श्री सचिदानंद हीरामंद वश्यानंद अज्ञे कितनी नावों में कितनी बार ये था, और कौन, महादेवी वर्मा यामा के लिए, क्योंकि ये बुक जो है पूछी जाती है यामा वाला, तो महादेवी वर्मा यामा, और उर्वशी जो है वो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है, तो रामधारी सिंह दिनकर को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो इतने, तो फिलहाल जो 53वां जो मिला था वो किसे? कृष्णा सुबित्ति को मिला था, किस लैंग्वेज के लिए? हिंदी लैंग्वेज के लिए मिला था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो गुजराती पोएट हैं कौन है? सितांशु यशचंद्र, कौन है? सितांशु यशचंद्र। तो इनको क्या है, 2017 का जो सरस्वती सम्मान है उसके लिए इन्हें चुना गया है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया, सरस्वती सम्मान जो है किसे दिया गया? सितांशु यशचंद्र को दिया गया है। और किस वजह से? इनकी जो कविता संग्रह, जो पोएट्री का कलेक्शन है, टाइटल क्या है उसका? वखार, वखार के लिए दिया गया। तो ये 2009 में पब्लिश हुई थी। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो सरस्वती सम्मान है ये किसके द्वारा पहले स्टार्ट किया, किसके द्वारा दिया जाता है? सरस्वती सम्मान जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, सरस्वती जो सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें जो है प्रतिवर्ष जो आठवीं अनुसूची में, जो आठवीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है, तो उनके 22 भाषाओं में ये सम्मान दिया जाता है। आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में से जो भी भाषाएं होंगी जिसमें उत्कृष्ट जो उनकी रचना होगी उसमें ये दिया जाता है। तो ये जो सरस्वती सम्मान है ये पूरे 10 साल का लेखा जोखा देखते हैं, मतलब जिस सन में दिया गया उसके पहले के 10 साल को देखते हैं, उसमें से जो भी सर्वश्रेष्ठ जो कृति होती है तो उसको ये सम्मान दिया जाता है। तो ये जो सम्मान है इसमें शॉल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है,
और इस समय अगर दिया, पहले तो ये 5 लाख था, फिर उसके पहले 1 लाख था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो इन्हें दिया गया है, किसे दिया गया है, सितांशु यशुचंद्र को, तो इन्हें 11 लाख रुपए दिया गया है, प्रशस्ति पत्र दिया गया है, और वाग देवी मतलब सरस्वती की जो प्रतिमा है, काष्ठ प्रतिमा, वो दी गई है। तो शॉल, प्रशस्ति पत्र और जो चिन्ह है, और क्या 11 लाख रुपए दिए गए हैं, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान का जो स्टार्टिंग हुआ था 1991 में हुआ था, इतना ध्यान नहीं रखना है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि सरस्वती सम्मान जो है वो कब कैसे, तो सरस्वती सम्मान जो पिछले जो 10 साल का पूरा बैकग्राउंड है उसमें जिसने अच्छा लिखा होता है तो उसके लिए, और किस भाषा में, तो जो भी 8वें सूची में 22 भाषाओं का जिक्र है उसमें, तो देखिए मैंने हाँ उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार में ये नहीं बताया था कि कितनी भाषाओं के लिए, उसमें 23 भाषा, उसमें 22 भाषाएँ तो ये और है, वो इंग्लिश के लिए भी दिया जाता है, तो 23 भाषाओं के लिए उसमें है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। और जो सरस्वती सम्मान जो सबसे पहले किसे दिया गया, तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। सरस्वती सम्मान जो पाने वाले सबसे पहले कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया, पहले हरिवंश राय बच्चन है जो अभी मिला है वो किसे मिला है, सितांशु यशुचंद्र को मिला है, सितांशु यशुचंद्र के लिए, और काहे के लिए, उनके जो कलेक्शन है वखार, जो कविता का पूरा संग्रह है वखार के लिए इन्हें, और ये पब्लिश कभी थी 2009 को हुई थी, और ये सरस्वती सम्मान का जो एडिशन है 27वां एडिशन है, 27वां एडिशन है। तो इतना इसके बारे में हो गया पूरा जीके के साथ, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। इसी तरीके जितने भी अवार्ड हैं इकट्ठे होंगे तो सारा मिक्सअप हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा।